दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने आज टीए रूल्स के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। 2024 एसओ का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए मैं शॉर्ट में ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसका वीडियो बनाया हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद होगा। इससे पहले मैंने डेली अलायंस वाला एक वीडियो अपलोड किया था, क्योंकि टीए रूल्स जो है, टीए और डीए दोनों मिला के होता है, टीए एंड डीए। तो ट्रेवलिंग अलायंस के साथ साथ डेली अलायंस ज़रूरी है, तो डेली अलायंस मैंने बता दिया। और ट्रेवलिंग अलायंस टीए जो है, डिफरेंट पर्पस के लिए दिया जाता है। कौन कौन से पर्पस के लिए दिया जाता है, एक बार हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ट्रेवलिंग अलायंस जो है वो, मतलब ये टीए रूल्स जो है वो किसमें से आता है। ये एफआरएसआर पार्ट टू में आता है। पार्ट टू मीन्स ये सप्लीमेंट्री रूल्स कहलाते हैं। सप्लीमेंट्री रूल्स में आप पढ़ेंगे टीए रूल्स। तो एसआर वन से स्टार्ट होता है, दीज रूल्स में भी कॉल्ड सप्लीमेंट्री रूल्स। और सबसे पहले ये बता दें कि ये जो टीए रूल्स है ये किसको अप्लीकेबल है। तो ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो कि फंडामेंटल रूल्स से गाइड होते हैं, सब्जेक्ट टू फंडामेंटल रूल्स, एफआर से गाइड होते हैं, और जिसका पे जो है सेंट्रल रिवेन्यूज से मिलता है, जिसको वेतन सेंट्रल रिवेन्यूज से मिलता है, उसको वो टीए रूल्स उसके लिए अप्लीकेबल होता है। अब मैं बता दूं कि ये कुछ अमेंडमेंट्स भी टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होते हैं कि और किसी तरह के एम्प्लॉय को मिल सकता है, इसके लिए जो टाइम टू टाइम गाइडलाइंस इशू होता है उनको भी लागू हो सकता है टीए रूल्स। अब ये बता देते हैं कि ये रूल्स जो है रेगुलेट होता है कैसे। तो जैसे कोई जर्नी कर रहा हो, तो एट द टाइम ऑफ जर्नी जो रूल्स फोर्स में रहता है, इन फोर्स रहता है, जो कानून मतलब उस समय लागू रहता है, वो कानून जो है उस पे लागू होता है। मान लीजिए कि कोई परिवर्तन हो गया, तो जर्नी के टाइम में यदि परिवर्तन हुआ, एट द टाइम ऑफ जर्नी जो परिवर्तन हुआ, तो वो लागू होगा। जिस समय ऑर्डर इशू हुआ या एडवांस इशू हुआ, उससे नहीं होगा। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो है नॉट अप्लीकेबल टू टीए रूल्स किस किस तरह के एम्प्लॉय पे अप्लीकेबल नहीं होता है। तो सबसे पहले बता दूं मैं डिविजनल अकाउंटेंट्स, डिविजनल अकाउंटेंट पोस्ट के बारे में आप लोग जानते होंगे। डिविजनल अकाउंटेंट पोस्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पोस्ट होता है, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट में पोस्टेड होता है। तो चूंकि इसको स्टेट रेवेन्यू, इस तरह डिविजनल अकाउंटेंट को स्टेट रेवेन्यूज से पैसे मिलते हैं, सैलरी मिलती है, इसलिए इन पर अप्लीकेबल नहीं होता है। दूसरा, गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑफ रेलवे ऑडिट ब्रांच ऑफ द इंडियन ऑडिट डिपार्टमेंट, जो रेलवे ऑडिट ब्रांच के एम्प्लॉय है उन पे भी नहीं लागू होता है टीए रूल्स, क्योंकि ये जो है इंडियन रेलवेज एस्टेब्लिशमेंट कोड के चैप्टर वन और चैप्टर टू और चैप्टर थ्री के तरह गाइड होता है। मीन्स रेलवे का रूल इन पे लागू होता है। और जो फॉरेन सर्विस में होते हैं, फॉरेन सर्विस का मतलब होता है विदेश मंत्रालय में नहीं, बल्कि फॉरेन सर्विस का मतलब होता है कि ऐसे पीएसयूज या ऐसे बॉडीज में डेपुटेशन पे चला गया हो जो कि या तो होली, या तो पूर्ण रूप से, या तो सब्सटेंशियली ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट हो। तो ऐसे स्टेचुटरी बॉडी हो या लोकल अथॉरिटी हो, तो ऑन और आफ्टर 9 फरवरी 1965 के बाद गया हो, तो ये रूल जो है विल बी गवर्न्ड बाय रूल्स ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक रूल होता है, तो ये भी टीए रूल्स से अप्लीकेबल नहीं होगा इन पे भी। दूसरा, आप कुछ डिफिनेशंस की बात करते हैं, चूंकि डिफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफिनेशंस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक्चुअल ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस,
आपको पता है कि टीए रूल्स में एक है कि एक्चुअल ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस दिया जाएगा। तो एक्चुअल ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस का क्या डिफिनेशन है वो जान ले। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग, मतलब ट्रांसपोर्टिंग का जो एक्चुअल कॉस्ट होगा वो दिया जाएगा, विथ हिज सर्वेंट एंड पर्सनल लगेज इंक्लूडिंग चार्जेस फॉर फेरी अदर टोल्स एंड कैरियज ऑफ कैंप इक्विपमेंट। कुछ ऐसे मतलब गवर्नमेंट इम्प्लाई है, कुछ पर्पस के लिए जब जाते हैं तो उसको अपना कैंप इक्विपमेंट, मतलब कैंप लगाना होता है तो कैंप इक्विपमेंट भी साथ ले जाते हैं, जैसे गाड़ी और अदर टोल्स भी। टोल्स भी अप्लीकेबल है, ये भी मतलब ट्रेवलिंग एक्सपेंस में आ जाता है। और फेरी का चार्जेस भी दिया जाता है। और कुछ ये जो अब ये अलॉन्ग विथ सर्वेंट है, ये हिज सर्वेंट का मतलब डोमेस्टिक सर्वेंट की बात कर रहे हैं। डोमेस्टिक सर्वेंट का भी मिलता है और पर्सनल लगेज का भी मिलता है टीए में। और क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है वो देख लीजिए। होटल्स, ट्रेवलर्स बंगलॉज, रिफ्रेशमेंट फॉर द कैरियर्स ऑफ स्टोर्स एंड कन्वेंसेस और फॉर प्रेजेंट्स टू कोचमैन एंड द लाइक और एनी अलाउंस फॉर सच इंसिडेंटल लॉसेज ऑफ एक्सपेंसेस। मीन्स जैसे आपको कोई ट्रेवलर्स ले जाया जा रहा है तो रास्ते में होटल में आपको ठहरा दिया, या मतलब उसके बंगला का एक्सपेंस है, कोई रिफ्रेशमेंट आपको परोसा गया, कैरियज ऑफ स्टोर्स या कन्वेयंस और फॉर प्रेजेंट्स टू कोचमैन, यदि प्रेजेंट आपने कुछ उपहार दिया, तो इस तरह का जो है ये सब चीज़ें जो है वो उसमें शामिल नहीं होगा, टीए में नहीं दिया जाएगा। ये इंसिडेंटल लॉस कुछ इस तरह का, जैसे कि क्रॉकरी टूट गया, वियर एंड टीयर ऑफ फर्नीचर टूट गया है, या एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल सर्वेंट, कोई अतिरिक्त आप जो है सर्वेंट रख रहे हैं, तो उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा टीए में। कैंप इक्विपेज, कैंप इक्विपेज का डिफिनेशन है कि अपरेटस फॉर मूविंग अ कैंप, कैंप बनाने के लिए जो सामान है वही। और कैंप इक्विपमेंट इज ए टेंट एंड द रिक्विजिट फॉर पिचिंग एंड फर्निशिंग देम, वेयर टेंट्स आर नॉट कैरिड सच आर्टिकल ऑफ कैंप फर्नीचर एज इट मे बी इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सर्विस फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट टू टेक। तो कैंप का के लिए जो फर्नीचर, कैंप इक्विपमेंट वही है, कैंप के लिए फर्नीचर वगैरह जो है वो भी लिया जा सकता है, लेकिन ये पब्लिक इंटरेस्ट में यदि हो तो गवर्नमेंट सर्वेंट अपने टूर के साथ ले जा सकता है। अब कंपिटेंट अथॉरिटी का डेफिनेशन क्या है? कंपिटेंट अथॉरिटी मतलब प्रेसिडेंट हो या और एज डेलीगेटेड पावर, डीएफपीआर, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स जो है अकॉर्डिंगली जो है उसमें जो पावर डेलीगेट किया गया वो कंपिटेंट हो। और डे का मीन्स होता है मिड नाइट टू मिड नाइट, जैसे डेली अलायंस में हमने देखा कि मिड नाइट टू मिड नाइट काउंट किया जाता है वन डे। तो इस तरह से जो है हमने देखा है डिफरेंट। अब है डिफिनेशन ऑफ फैमिली, मीन्स टीए जो मिलेगा वो उसमें फैमिली के डिफिनेशन में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले तो फैमिली के डिफिनेशन में आता है वाइफ और हस्बैंड, स्पाउस। दूसरा लेकिन इसमें है कि वाइफ और हस्बैंड रिसाइडिंग विद गवर्नमेंट सर्वेंट, एंड रहना भी चाहिए, डिपेंडेंट भी हो और रिसाइडिंग भी हो, दोनों चीज़ होना चाहिए। तो वाइफ हस्बैंड तो डिपेंडेंट नहीं भी है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बाकी केस में डिपेंडेंट और रिसाइडिंग दोनों होना चाहिए। दूसरा लेजिटिमेट चिल्ड्रेन हो, मतलब वैध हो, लीगल बच्चे हो, स्टेप चिल्ड्रेन, रिसाइडिंग एंड होली डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। चिल्ड्रेन में जो है मतलब लेजिटिमेट चिल्ड्रेन में टू चिल्ड्रेन का इफेक्ट टू चिल्ड्रेन को ही दिया गया है, वो विथ इफेक्ट फ्रॉम 10 जनवरी 1999 से। और यदि किसी को अडॉप्ट किया गया है किसी बच्चे को, तो चिल्ड्रेन एज वार्ड उस वो भी फैमिली मेंबर्स में आता है। मैरिड डॉटर्स भी आता है, लेकिन मैरिड डॉटर्स में वही है कि होली डिपेंडेंट हो और रिसाइडिंग विथ पेरेंट्स, मतलब डिपेंडेंट भी हो। फुल हॉली डिपेंडेंट का डिफिनेशन आप लोगों को पता है, या यदि नहीं पता है मैं बता देता हूँ कि एक क्राइटेरिया है, यहाँ पे मैं डिपेंडेंट का क्राइटेरिया बताया हूँ
फ्रॉम ऑल सोर्सेस ऑफ इनकम जो है, सभी साधनों से, सोर्सेस से आय जो है वो 9,000 प्लस डीए, अभी डीए 53 है तो उस पर मंथ से कम होना चाहिए इनकम, तो वो होली डिपेंडेंट माना जाएगा, पूर्ण रूप से निर्भर माना जाएगा। स्टेप मदर भी है लेकिन स्टेप फादर को इंक्लूड नहीं किया गया। माइनर ब्रदर्स, डिपेंडेंट सिस्टर्स, सिस्टर्स और डॉटर के केस में डिपेंडेंट होना चाहिए, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, ठीक है। मैरिड डॉटर्स है लेकिन वो मतलब विडोड है और मतलब वो किसी भी तरह से डिपेंडेंट है, डिवोर्स्ड है, तो इसी तरह सिस्टर्स के केस में भी है, तो ये दोनों केस में सेम होता है, ये डिपेंडेंट हो और साथ में रहते हो, ये फैमिली मेंबर्स में आता है। तो अब एक ट्रांसफर का डिफिनेशन मैं बताता हूँ, इसमें छूट गया था पिछले में। तो ट्रांसफर का डिफिनेशन इसमें है कि एक हेडक्वार्टर से दूसरे हेडक्वार्टर, जिस हेडक्वार्टर में एम्प्लाई है और दूसरे स्टेशन पे जहाँ पे वो जा रहा है, आइदर टू टेक अप द ड्यूटीज ऑफ न्यू पोस्ट, या तो नए पोस्ट ज्वाइन करने के लिए जा रहा हो, और इन कंसिक्वेंस ऑफ अ चेंज ऑफ हिज हेडक्वार्टर, मीन सेम पोस्ट पे जो है हेडक्वार्टर चेंज हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह ज्वाइन करने के लिए जाना है, दूसरे पोस्ट को टेकअप, ड्यूटीज टेकअप करने के लिए जा रहा है, तो वो ट्रांसफर के डिफिनेशन में आता है। अब ये बाद में बताते हैं आपको इसको, पहले तो आते हैं कि टीए ऑन टूर्स, एक पर्पस है टीए, डिफरेंट पर्पस के लिए दिया जाता है, लेकिन जो मुख्य पर्पस है, जो मतलब फ्रीक्वेंटली दिया जाता है वो यही है, एक तो टूर के लिए दिया जाता है, टी ऑन टूर। टूर क्या होता है? टूर होता है मतलब टेम्पररी ड्यूटी जो होता है, दैट इज टूर। सेकेंड, ट्रांसफर के लिए दिया जाता है, ट्रांसफर पे भी टीए मिलता है। थर्ड, रिटायरमेंट पे भी टीए मिलता है। ऐसे एक टीए का प्रोविजन ये भी है कि कोई गवर्नमेंट इम्प्लॉय जो परमानेंट गवर्नमेंट इम्प्लॉयज हो, या 3 इयर्स उसका सर्विस हो गया हो, कंफर्म्ड हो और 3 इयर्स सर्विस हो, तो टेक्निकल रेजिग्नेशन देके यदि नए पोस्ट को ज्वाइन करता है तब भी उसे जो है टेक्निकल रेजिग्नेशन हो और लियन होल्ड कर रहा हो, अदरवाइज 3 इयर्स का सर्विस हो, तो उसे भी मिलता है टीए। रिटायरमेंट के बाद सेटल होने के लिए भी टीए मिलता है, तो इन सब पर्पस के लिए टीए दिया जाता है। और टीए में जब इस तरह का होता है, ट्रांसफर का होता है या मतलब, तो इसमें और भी कंपोनेंट होते हैं, आगे हम बताएंगे। अभी तो ये जान लीजिए कि टीए ऑन टूर्स जो है उसमें कहाँ से कहाँ तक मिलता है। ड्यूटी पॉइंट से स्टार्ट होके हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर के ड्यूटी पॉइंट से, ड्यूटी पॉइंट और रेसिडेंस एट हेडक्वार्टर, मतलब हेडक्वार्टर के ड्यूटी पॉइंट से या रेसिडेंस से स्टार्ट होके ये जहाँ आपका डिस्टेंस स्टेशन पे ड्यूटी पड़ा हो, मीन्स एक हेडक्वार्टर से दूसरे, मतलब पॉइंट टू पॉइंट और एंड वाइस वर्सा, ये टीए ऑन टूर में दिया जाता है। और टीए ऑन टूर में ये क्या दिया जाता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए एलटीसी में, जबकि ऐसा नहीं है, मैं पहले अभी बताया था एलटीसी में ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट नहीं दिया जाता है, एलटीसी में दिया जाता है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, एक जगह के स्टेशन से दूसरे जगह के स्टेशन, या प्लेटफॉर्म, ये एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक, बस इतना ही मिलता है, टू द पॉइंट नहीं मिलता है, इसमें पॉइंट टू पॉइंट मिलता है टी ऑन टूर में। तो पहले फेयर फॉर जर्नीज बाय रेल, रोड, एयर, सी, फिर रोड माइलेज मिलता है रोड जर्नी के लिए, यदि बस से ट्रेवल किया गया है, टैक्सी का भी मिलता है। डीए फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ अब्सेंस, इसमें डेली अलाउंस भी मिलता है हेडक्वार्टर से अब्सेंस के आधार पे, इंक्लूडिंग जर्नी पीरियड। जर्नी पीरियड मतलब जब से ट्रेन या बस स्टार्ट हुआ है तब से जो है वो अब्सेंस माना जाएगा हेडक्वार्टर से, और अकॉर्डिंगली डेली अलाउंस, डीए, डीए मतलब यहाँ डेली अलाउंस।
डेली अलाउंस मैं पहले चैप्टर में ही बता दिया हूँ आप लोगों को, कैसे मिलता है, क्या मिलता है, क्या कैलकुलेशंस है, तो इस तरह से मिलता है। अब एक है कि एम्प्लॉयज लिविंग इन सिटीज विथ यूए, मतलब अर्बन एग्लोमरेशन, मतलब सिटीज से थोड़ा दूर रह रहा अर्बन एग्लोमरेशन में, तो उसे भी जो है टैक्सी और स्कूटर का चार्ज मिलेगा फ्रॉम द रेसिडेंस टू इन द यूए टू रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन। अब मैं बता दूं कि ये इंटाइटलमेंट क्या है, टीए का इंटाइटलमेंट क्या होता है विद इन सिटी, ये पे लेवल है और इसका इंटाइटलमेंट यहाँ पे है। पे लेवल यदि 5 एंड बिलो की बात करें तो ये विद इन द कंट्री की बात है, विद इन द कंट्री मतलब ट्रेन और एयर की बात कर रहे हैं हम, एयर फेयर की बात करें, ट्रेन और एयर इंटाइटलमेंट की बात कर रहे हैं। तो ट्रेन में फर्स्ट क्लास एसी 3 टायर एसी चेयर कार बाय ट्रेन, और एयर इंटाइटलमेंट लेवल 5 एंड बिलो नहीं होता है, नो एयर इंटाइटलमेंट। यदि एयर से ये कर लिए जर्नी तो इनको ट्रेन का ही मिलेगा। दूसरा है 6 to 11, 6 to 11 के लिए जो है वो इकोनॉमी क्लास बाय एयर, यहाँ लेवल 6 से स्टार्ट हो जाता है बाय एयर, अदरवाइज ट्रेन से जाना है तो एसी 2 टायर, और चेयर कार शताब्दी से चेयर कार का मिलता है सीसी। लेवल 12 एंड 13 और 13A, 13A के लिए भी यही मिलता है, जो 13 के लिए मिलता है वही 13A के लिए, इसमें भी इकोनॉमी क्लास बाय एयर और एसी फर्स्ट क्लास बाय ट्रेन। 12 13 के लिए एसी फर्स्ट क्लास है, और 14 एंड अबव के लिए एयर, एयर इंडिया में भी, एयर इंडिया कहते हैं मतलब एरोप्लेन से भी बिजनेस या क्लब इस क्लास में जा सकते हैं बाय एयर, और एग्जीक्यूटिव और एसी 1 बाय ट्रेन, एग्जीक्यूटिव होता है ये शताब्दी वगैरह ट्रेन में। तो ये है मतलब आपको याद रखने हैं, कभी कभी मतलब ये पूछा जाता है, यूपीएससी है, सिलेबस में कहीं से भी पूछ सकता है। दूसरा है कि ट्रेन तेजस एक्सप्रेस ट्रेन्स भी, उससे भी अलाउ किया गया है टी ऑन टूर ट्रेनिंग ट्रांसफर रिटायरमेंट, ठीक है, इन ट्रेन के अलावे भी, शताब्दी के अलावे भी तेजस को भी दिया गया, तो ये भी याद रखिएगा कहीं पूछ ले, यूपीएससी बहुत बारीकी से प्रश्न पूछता है। और जो जगह रेल से कनेक्टेड नहीं है उसमें, उसके लिए क्या इंटाइटलमेंट है, तो ट्रेवल बाय एसी बस फॉर ऑल दोज इंटाइटल टू ट्रेवल बाय एसी 2 टायर एंड अबव। एसी 2 टायर और उससे ज़्यादा, उससे ऊपर के जो मतलब इंटाइटलमेंट क्लास वाले वो एसी बस में जा सकते हैं। तो एसी 2 टायर से अबव वाले कौन कौन है, लेवल 12 से स्टार्ट होता है, यहाँ देख लीजिए एसी 2 टायर से ऊपर वाले लेवल 12, 13 और 14, तो यही एसी बस में जा सकते हैं, ठीक है। और जो मतलब जो लेवल 11 तक के हैं, 1 to 11, वो डिलक्स या ऑर्डिनरी बस में जा सकते हैं, जो ट्रेन से कनेक्टेड है आप रोड से जाना चाहते हैं उसके लिए ये। तो ये क्लियर हो गया। फिर इंटरनेशनल ट्रेवल इंटाइटलमेंट्स भी है टीए के लिए, 13A एंड बिलो, मतलब 1 से 13A तक इकोनॉमिक क्लास, ये सप्लीमेंट्री रूल्स 48B में लिखा हुआ है, और 14 टू 16 के लिए बिजनेस या क्लब क्लास। 14 आप जानते हैं, 14 जो है वो जेएस से शुरू होता है, जॉइंट सेक्रेटरी 14 होता है, फिर एडिशनल सेक्रेटरी 15, 15 और 16 एडिशनल सेक्रेटरी होता है, और 17 एंड अबव मतलब सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी, ये फर्स्ट क्लास में इंटरटेनमेंट। तो ये इंटरनेशनल के लिए है। इंटरटेनमेंट फॉर जर्नीज बाय सी बाय रिवर स्टीमर,
इसके लिए जो है ये दो कैटेगरी में दिया हुआ है, एक अंडमान अदर देन ए अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप, उसके लिए क्या एंटरटेनमेंट है वो आप देख लीजिए। थ्री एंड बिलो के लिए लोएस्ट क्लास होता है, लेवल फोर एंड फाइव के लिए लेवल फोर एंड फाइव के लिए देख लीजिए, इफ टू क्लासेज ओनली, यदि दो ही क्लास है तो लोअर क्लास होगा, यदि थ्री क्लास है तो मिडल और सेकेंड होगा, और इफ देर आर फोर क्लासेस तो थर्ड क्लास होगा, और सिक्स टू एट के लिए लोअर क्लास और नाइन एंड अबव के लिए हाईएस्ट क्लास होता है। यदि दो क्लास है हायर और लोअर तो यहां सिक्स टू एट के लिए लोअर क्लास होगा, टू क्लासेस है तो लोअर क्लास होगा। अब मैं बता देता हूं ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के लिए जो है शिप ऑपरेट जो होता है वो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के होता है। आप लोग एओबी में देखिए शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, आप सर्च करके बताइएगा। इसमें जो लेवल नाइन एंड अबव के लिए होता है, नाइन एंड अबव के लिए वो डिलक्स क्लास होता है, सिक्स टू एट के लिए फर्स्ट या केबिन क्लास होता है, फोर टू फाइव लेवल के लिए सेकेंड बी होता है, और थ्री एंड बिलो के लिए बंक क्लास। तो इस तरह से इंटाइटलमेंट है, कभी कभी पूछा जा सकता है ये, अदरवाइज इतना बारीकी से नहीं पूछेंगे। माइलेज अलायंस फॉर जर्नी बाय रोड, अब रोड से जो है आप जब ट्रेवल करते हैं तो उसके लिए माइलेज अलायंस क्या है, क्या इंटाइटलमेंट है, ये 14 एंड अबव के लिए जो है एक्चुअल फेयर बाय एनी टाइप ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक बस इंक्लूडिंग एसी बस। फिर है प्रिस्क्राइब रेट ऑफ एसी टैक्सी व्हेन द जर्नी इज एक्चुअली परफॉर्म्ड बाय एसी टैक्सी, एसी टैक्सी भी इंटाइटल्ड है लेवल 14 एंड अबव, और एट प्रिस्क्राइब रेट फॉर ऑटो रिक्शा फॉर जर्नीज बाय ऑटो रिक्शा ऑन कार, अपने कार से भी जा सकते हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल और मोपेड। यदि ऑटो रिक्शा और अपने कार और स्कूटर मोटरसाइकिल मोपेड से किया है तो ऑटो रिक्शा के बराबर रेट मिलेगा। 6 टू 13 के लिए सेम एज अबव विद एक्सेप्शन, ऊपर जो 14 के लिए है वही है, और केवल एक्सेप्शन ये है कि एसी टैक्सी विल नॉट बी परमिसिबल, एसी टैक्सी परमिशन नहीं है, बाकी सब यही है, ऑटो रिक्शा का रेट मिलेगा यदि आप अपने कार से गए। 4 5 जो है एक्चुअल फेयर मिलेगा पब्लिक बस अदर देन एसी, नॉन एसी बस, नॉन एसी ए बस मिलेगा 4-5 के लिए लेवल 4-5, और ऑटो रिक्शा का रेट मिलेगा यदि अपने कार से गए हैं या स्कूटर मोटरसाइकिल जिससे भी गए हैं, और लेवल 3 एंड बिलो जो है वो एक्चुअल फेयर मिलेगा ऑर्डिनरी बस, ऑर्डिनरी पब्लिक बस मिलेगा, और इसमें वही है प्रिस्क्राइब रेट फॉर ऑटो रिक्शा फॉर जर्नी बाय ऑटो ऑन स्कूटर मोटरसाइकिल मोपेड, अपने कार से नहीं जा सकते। और इसमें मैं बता दूं कि टीए जो है इसमें यदि शेयरिंग करके जा रहे हैं, शेयरिंग ऑटो टैक्सी बाइक, तो रिम्बर्समेंट कैसे होता है ये मैं बता रहा हूँ। जैसे ऑटो शेयर करके जा रहे हैं, टैक्सी शेयर करके जा रहे हैं, या फ्रेंड के बाइक से चले गए, टांगा से चले गए, मेन ड्राइवन रिक्शा से चले गए, तो ये हाफ दिया जाएगा, या तो एक्चुअल शेयर लिमिटेड टू हाफ द माइलेज, हाफ ऑफ द माइलेज दिया जाएगा, अदरवाइज एडमिसिबल और विच एवर इज लेस, या तो एक्चुअल फेयर दिया जाएगा यस, जो हाफ ऑफ माइलेज है वो दिया जाएगा, जो कम होगा वो दिया जाएगा। अब यदि किसी ने मतलब
रेल से कनेक्टेड नहीं है और रोड से ट्रेवल किया है, जर्नी बाय रोड बिटवीन प्लेसेज नॉट कनेक्टेड बाय रोड रेल, तो रेल से कनेक्टेड नहीं है, रोड से किया है, तो मैं ट्रेवल बाय इंटाइटल्ड कन्वेयंस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एट देयर डिस्क्रिशन, नीड नो अप्रूवल। हाँ मतलब ये क्वेश्चन होता है कि जैसे रेल से कनेक्टेड नहीं है और बस से जाना है, तो इसके लिए कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है किसी हायर अथॉरिटी से, और जो रोड माइलेज है वो मिलता है, इंटाइटलमेंट कन्वेयंस से कर लें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से कर लें, अपने डिस्क्रिप्शन पे ये डिपेंड करता है। अब मैं बता दूं कि रिम्बर्सेबल चार्जेस कौन कौन से हैं जो टीए के साथ होता है। रिजर्वेशन चार्ज जैसे होता है इंटरनेट ई टिकटिंग चार्ज या कन्वेयंस चार्ज, कलेक्टिंग चार्ज, एजेंसी चार्ज, कैंसिलेशन चार्जेस, यदि पब्लिक इंटरेस्ट में कैंसिल किया गया टिकट तो कैंसिलेशन चार्जेस भी मिलता है, सर्विस टैक्स, एजुकेशन से, सभी रिम्बर्सेबल होता है। लेवी ऑफ फैसिलिटेशन सी को हटा दिया गया है। लेवी ऑफ फैसिलिटेशन सी कहने का मतलब कुछ ऑथराइज एजेंट जो है वो लेवी लगाता था फैसिलिटेट करने के लिए, तो वो विड्रॉ कर लिया गया है। नो फी और सर्विस चार्ज विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द टेरिफ चार्ज बाय एयरलाइंस विल बी पेड टू द ऑथराइज लेवी ट्रेवल एजेंट। केवल एयर लाइंस जो मतलब चार्ज करेगा टेरिफ चार्ज, वही केवल दिया जाएगा, बाकी ये कोई फैसिलिटेशन फी नहीं दिया जाएगा। टीए फॉर अटेंडेंट एस्कॉर्ट ड्यूरिंग टूर और ट्रेनिंग। टीए ओनली माइलेज अलाउंस दिया जाएगा, टीए का मतलब केवल माइलेज अलाउंस दिया जाएगा एस्कॉर्ट को या अटेंडेंट। एस्कॉर्ट कहा जाता है जैसे कोई पीडब्ल्यूडी फिजिकली हैंडीकैप्ड है, जो दिव्यांग आजकल कहते हैं, दिव्यांग लोगों के लिए जो है एक एस्कॉर्ट का व्यवस्था है जो उसको हेल्प करता है, उसके साथ रहता है, तो ड्यूरिंग ट्रेवल जो है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि मतलब कितना मतलब डिसेबिलिटी है ये सब देखते हुए दिया जाता है। और एक जो है वो मैं बता दूं कि टीए जो है प्रोबेशनर्स को नहीं दिया जाता है, नो टीए इज अलाउड फॉर प्रोबेशनर्स। तो आप कहेंगे कि जैसे ट्रेनिंग नए लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है, जैसे डीआर को ट्रेनिंग दिया जाता है, तो वो कहाँ से मतलब उसको टीए दिया जाता है, तो वो एक आईएसटीएम का अपना मतलब प्रोग्राम है, प्लान है ट्रेनिंग का, वो प्लान उस पे ट्रेनिंग एक्सपेंडिचर में होता है, वो टीए नहीं दिया जाता है। फॉर ऑनवर्ड्स जर्नी टू किस कंडीशन में नहीं मिलता है, फॉर ऑनवर्ड जर्नी टू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर आने के लिए प्रोबेशनर्स को नहीं मिलता है, जैसे ज्वाइन करने के लिए आ रहा है, हु आर टेकन टू आउट स्टेशन फॉर ट्रेनिंग एक्टिविटीज, जैसे आउट स्टेशन ले जाया जा रहा है ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ भी नहीं मिलता है। दे हैव टू पे बोर्डिंग लॉजिंग ट्रांसपोर्ट चार्जेस फ्रॉम देयर पॉकेट, और उस नो डेली अलाउंस इज एडमिसिबल, प्रोबेशनर को नहीं मिलता है। हाउएवर वन साइड टीए इज अलाउड, एक साइड टीए मिलता है किस कंडीशन में, जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो ड्यूटी रिपोर्ट करने के लिए तो दिया जाता है, मीन्स वो एक पोस्टिंग का हो गया, एक तरह का जो है वो टीए ऑन ट्रांसफर हो गया। एनी रिम्बर्समेंट ऑलरेडी मेड मे बी रिकवर्ड, ये लिखा हुआ। अब टीए टू इम्प्लॉइज पार्टिसिपेटिंग इन कॉम्पिटिशंस इवेंट्स इन म्यूजिक डांस ड्रामा, तो इसमें टीए मिलता है जैसे सीसीएस सेंट्रल सिविल सर्विसेज, रिक्रिएशन क्लब वगैरह होता है, कल्चरल बोर्ड वगैरह होता है, तो वो जब कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड होता है वो इस तरह का प्रोग्राम करता है, कंपटीशन करता है, इवेंट करता है म्यूजिक के लिए, तो ये मिलता है इनको, ट्रेवल इंटरटेनमेंट होता है। स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए कहीं जा रहे हैं, टूर्नामेंट नेशनल या इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का है, तब भी टीए मिलता है, एज पर रूल जो टीए और डीए होता है वो मिलता है। तो इस तरह से जो है आसान भाषा में टीए बता रहा हूँ, ये एक कुछ गाइडलाइंस है एयर टिकट्स के लिए, जैसे कोई एयर इंटाइटलमेंट है या नहीं है तब भी जो है
तीन वेंडर्स हैं, तीन ऑथराइज्ड ट्रेवल एजेंट्स हैं, इसी तीनों से आप ले सकते हैं। अशोका, ये बामर लॉरी कंपनी लिमिटेड, अशोका ट्रेवल्स एंड टूर्स और IRCTC, इन तीनों से आप एयर टिकट ले सकते हैं, किसी से बाहर से नहीं, प्राइवेट से नहीं ले सकते हैं, चाहे आप इंटाइटल्ड हो या नहीं हो। तो एयर इंटाइटलमेंट का यही है टिकट का। और इंटाइटलमेंट तो मैंने बताया बताया कि 14 एंड अबव जो है बिजनेस क्लास होता है, और 14 से नीचे जो है वो इकोनॉमी क्लास होता है, लेवल 6 तक, ना कि लेवल 5 से नीचे तो होता ही नहीं, लेवल 5 एंड बिलो। और एक कुछ ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे ट्रेवलिंग अलायंस के लिए जो है वो टाइम लिमिट क्या है क्लेम सबमिट करने के लिए। क्लेम सबमिट करने के लिए 60 डेज का टाइम है, 60 डेज कंप्लीशन ऑफ जर्नी के बाद, जर्नी जिस दिन एंड हुआ उसके बाद 60 डेज होगा, 60 डेज के अंदर आपको करना है। यदि नहीं किया गया तो फिर ओनली ऑन द अनयूटिलाइज पोर्शन ऑफ एडवांस फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉल ऑफ एडवांस टू द डेट ऑफ रिफंड। इन केसेज वेयर द एडवांस इज नॉट फुली यूटिलाइज बट द एडजस्टमेंट इज सबमिटेड इन टाइम, यदि एडजस्टमेंट, कई लोग एडवांस लेते हैं तो एडवांस यदि लिया गया है तो, और एडवांस यूटिलाइज नहीं किया गया, फुली यूटिलाइज नहीं हुआ, और लेकिन एडजस्टमेंट जो है टाइमली भेजा गया, तो इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाएगा, अनयूटिलाइज पोर्शन ऑफ एडवांस फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल एडवांस टू द डेट ऑफ रिफंड। मतलब एडवांस बहुत ज़्यादा ले लिया गया और वो यूटिलाइज नहीं हुआ। तो उस केस में, तो इसलिए एडवांस का एक फार्मूला है, एडवांस कम लिया जाता है, 80 और 90% लिया जाता है। थैंक यू। ये आपका TA का रूल्स का क्लास, TA ऑन टूर के बारे में बताया। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा आपको डिफरेंट पर्पस के लिए जो TA लिया जाता है, जैसे कि TA में बताया कि रिटायरमेंट के टाइम भी मिलता है, रिटायरमेंट के टाइम जो है सेटल होने के लिए मिलता है, फिर TA जो है वो ट्रांसफर TA होता है, ट्रांसफर पे भी TA मिलता है, फिर टेम्पोररी ड्यूटी जो लगता है TD उसी को कहते हैं, टेम्पोररी ड्यूटी, टेम्पोररी ड्यूटी के लिए भी जो है वो TA DA मिलता है। एग्जाम पास करने पर, नई जगह ज्वाइन करने पर, यदि टेक्निकल रेजिग्नेशन दे के कोई ज्वाइन करता हो करता है तो उसे भी मिलता है, परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या 3 इयर्स सर्विस हो तो उसके से मिलता है। तो ये मैं डिटेल से बताऊंगा आगे कि और किस किस कंडीशन में मिलता है TA। ट्रेनिंग में भी TA मिलता है, ट्रेनिंग का अलग है, TA ऑन ट्रेनिंग वो भी मैं बताऊंगा उसमें क्या है। तो ये सब है, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे कि मतलब आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है या नहीं, कुछ लाभ हो रहा है, क्योंकि मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट में बनाऊँ ताकि आप लोगों को लाभ मिले। थैंक यू वेरी मच।